बॉलीवुड के एलिजिबल बैचलर अभिनेता सलमान खान को इस इंडस्ट्री में पूरे 30 साल हो गए। इन 30 सालों में इन्होंने कई हिट फिल्में दी जिसमें इनके साथ कई अभिनेत्रों ने काम किया, जिनमें से इन्होंने कुछ अभिनेत्रियों के साथ रोमांस किया, कुछ के साथ भाई बहन देवर भाभी जैसे रिश्तों को अलग पहचान दी। लेकिन दोस्तों, आप इन सभी अभिनेत्रियों के बारे में जानते हैं क्या? इनके रियल लाइफ बेटों के बारे में जानते हैं जो दिखने में बड़े हैंडसम है और अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं? आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको सलमान के साथ काम करने वाली इन अभिनेत्रियों के रियल लाइफ बेटों से रूबरू करवाएंगे जो दिखने में बड़े हैंडसम है। आइए जानते हैं कौन है। नंबर 5, माधुरी दीक्षित। बॉलीवुड की धक धक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित और सलमान खान ने बहुत सी फिल्मों में साथ काम किया और काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जिनमें साजन, हम आपके हैं कौन, दिल तेरा आशिक, हम तुम्हारे हैं सनम जैसे हिट फिल्में शामिल है। अगर बात करें इनके बेटों की तो इनके दो बेटे हैं, एरिन और रायन। एरिन 16 साल के हैं, रायन 14 साल के हैं। दोनों ही पढ़ाई कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों अपनी मम्मी की फिल्में नहीं देखते बल्कि दोनों हॉलीवुड की एवेंजर्स मूवी देखते हैं। नंबर 4, करिश्मा कपूर। हिंदी सिनेमा जगत की सबसे मशहूर अदाकारा करिश्मा कपूर और दबंग खान सलमान ने जुड़वा, दुल्हन हम ले जाएंगे, बीवी नंबर 1, जागृति जैसी हिट फिल्मों में काम किया, साथ ही बहुत अच्छी एक्टिंग की जो दर्शकों की फेवरेट जोड़ी बन गई। अगर बात करें इनके बेटे की तो इनके बेटे का नाम कियान राज कपूर है, जिनका जन्म 2010 में हुआ। वर्तमान में ये 10 साल के हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें इनके बेटे व्यवहार से काफी शांत है, लाइमलाइट से दूर ही रहते हैं और खूब मस्ती करते हैं। नंबर 3, शाहीन बानो। सलमान खान के साथ शाहीन बानो ने कुछ फिल्मों में काम किया और उन्हीं फिल्मों में काम करते करते ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहीन उनकी पहली गर्लफ्रेंड थी, जिनसे सलमान इतना प्यार करते थे कि इनसे शादी करना चाहते थे, पर दिलीप कुमार जो इनके अंकल हैं उन्हें इन दोनों का रिश्ता स्वीकार नहीं था, जिसके चलते इन्होंने शादी नहीं की और ये रिश्ता खत्म हो गया। कुछ समय बाद इन्होंने प्रोड्यूसर सुमित सहगल से शादी कर ली, जिनसे इनकी एक बेटी है जिनका नाम शायशा सहगल है। वो एक अभिनेत्री है, ये ज्यादातर टॉलीवुड की फिल्मों में काम करती है। इसके साथ इन्होंने अजय देवगन की फिल्म शिवाय से बॉलीवुड में डेब्यू किया और बहुत शानदार एक्टिंग की। आपको बता दें इन्होंने साउथ एक्टर आर्या से 2019 में शादी की और आज अपनी खुशहाल जिंदगी में व्यस्त है। रेणुका शाणे। दिल ने जिसे अपना कहा, हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों में रेणुका शाणे और सलमान खान ने साथ काम किया। दिल ने जिसे अपना कहा फिल्म में जहां इन दोनों ने भाई बहन के रिश्ते को अच्छे से निभाया, वहीं हम आपके हैं कौन में भाभी देवर के रिश्ते को अच्छी पहचान दी। अगर बात करें इनके बेटे की तो इनके दो बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम शौर्यमन और छोटे का नाम सत्येंद्र है। दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें इनके बड़े बेटे शौर्यमन को एक्टिंग में बड़ा दिलचस्पी है। ये बड़े होकर अपने माता पिता की तरह सफल एक्टर बनना चाहते हैं, जिसके चलते 11 साल की उम्र में ये मराठी फिल्म भाकर खादी 7 किलोमीटर से अपने करियर की शुरुआत कर चुके हैं। वहीं इनके छोटे बेटे सत्येंद्र को एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, इन्हें तो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है, उसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। काजोल। बॉलीवुड की चुलबुली अदाकारा काजोल और सलमान ने कई फिल्मों में काम किया है, जिसमें कर्ण अर्जुन, प्यार किया तो डरना क्या जैसी फिल्में शामिल है। बेशक इन फिल्मों में दोनों ने एक दूसरे के अपोजिट काम नहीं किया है, पर साथ में काम किया है। लेकिन अगर बात करें इनके बेटे की तो बेटे का नाम युग देवगन है, जिनका जन्म 2010 में हुआ। वर्तमान में 10 साल के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें ये स्वभाव से बड़े शैतान है, अपने शैतानी के कारण कई बार मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इन सभी अभिनेत्रियों में किस अभिनेत्री के बेटे ज्यादा अच्छे लगे उनका नाम कॉमेंट बॉक्स में बता दो और बॉलीवुड से जुड़ी और भी मसालेदार बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।